हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू नॉट न्यू एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस ट्रस्ट मी दिस इज़ द लास्ट थिंग इन द वर्ल्ड दैट आई वांटेड टू डू लेकिन इन फैक्ट पिछले हफ्ते जितने लोगों ने भी मुझे बोला है मैंने मना ही किया है कुछ बोलने से लेकिन uh, ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत ज़्यादा चीज़ें बोली जा रही हैं uh, तो टुम पुट द मैटर टू रेस्ट पुट द मैटर टू बैट टू मूव ऑन मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूँ ताकि हर किसी को मैं ये लिंक दे दूँ जिसमें सारी चीज़ें मैं एक दफ़ा एड्रेस कर लूँ दिस इज़ नॉट फॉर द पीपल हु ट्रोल मी दिस इज़ नॉट फॉर पीपल हु अब्यूज़ मी क्योंकि आप लोगों को मैं कुछ भी बोल लूँ तो आप कन्विंस नहीं होंगे लेकिन काफ़ी वेल मीनिंग लोग हमारी ऑडियंस में से भी जो इस प्रोपागेंडा में और सोशल मीडिया नरेटिव में आ चुके हैं मैं सिर्फ फैक्ट्स पेश करना चाहता हूँ अपनी कोई सफाई नहीं देना चाहता तो एक करके वो जो मोस्ट पॉपुलर चीज़ें कही जा रही हैं उनको एड्रेस कर लूँ ताकि दे कैन बी पुट टू रेस्ट पहली बात यह है कि पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए मुजम्मिल को पॉडकास्ट पर बुलाया गया था मैं आप लोगों को एग्जैक्टली exactly बता दूं कि हाउ दिस पॉडकास्ट हैपेंड मुजम्मिल कराची आ रहे थे टी, टी कराची करने के लिए तो उन्होंने रीच आउट किया मैंने बोला ऑफकोर्स आई आई लव टू कम ऑन आप भी आ जाएँ क्विट प्रो को हो जाएगा वो हालात की वजह से टी बी टी कराची नहीं हो सका मुजम्मिल फिर भी आ रहे थे एक इवेंट हो रहा था वो होस्ट कर रहे थे मैं उसमें टॉक कर रहा था तो ऐसे इवेंट के बाद आ जाओ हम अपनी टी पी वाली पॉडकास्ट कर लेते हैं फिर आपका टी बी टी कराची रन होगा तो हम वहाँ भी आ जाएंगे दैट्स हाउ द पॉडकास्ट हैपन पर्सनल स्कोर क्या पर्सनल स्कोर ये भी बता दें मुझे uh, मैंने तो कोई ढाई सौ एपिसोड्स किए हैं अगर दो 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 घंटे की हैं तो पाँच सौ घंटे मैंने बकवास की हुई है जो इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती है फिर मेरी ट्विटर टाइमलाइन है मेरे फेसबुक है आप नाम सर्च कर लें मैंने कभी कोई बात की हो कुछ कहा हो मैंने आ, मैंने तो सिर्फ तारीफ़ ही की थी जब इमरान खान वाली पॉडकास्ट हुई थी मैंने कहा था कि दिस इज़ वेरी गुड फॉर द पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री आ, जो लोग सुन रहे हैं आप लोग तो को से कई लोग होंगे जिन्होंने मुझे मैसेज किया होगा और काफ़ी बुराई की होगी उस पॉडकास्ट की और मुझे और इनफैक्ट मुझे और मुजम्मिल शाह दोनों को कॉन्सटेंटली टैग किया जा रहा था कि आप लोग बजाएं 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 हमने नहीं किया हमने नहीं किया आ, तो मैं ट्रोल हो रहा था मेरे बारे में कमेंट्स किए जा रहे थे मेरे बारे में कैम्पेन्स हो रही थी मैं तो साइलेंट था बिकॉज मेरे लिए बहुत आसान होता वायरल होना वो जो डक्की भाई शाह मदरीस वाला सीन था वो तो बहुत आसान है इनफेक्ट uh, जो लोग uh, कह रहे हैं कि मैंने पॉडकास्ट पे बिल्कुल हल्का हाथ नहीं रखा आप कभी मेरे कॉमेडी शोज़ पे आए तो आपको आइडिया होगा मैंने कितना हल्का हाथ रखा हुआ था तो मैं अगर एक वो रोस्ट वीडियो बना लेता जिसमें बोलता ये हुआ ये हुआ ये कहा गया ये आदमी तो ऐसा है फना 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 वो चीज़ यूँ वायरल होती और वो वुड हैव गॉटन अ लॉट ऑफ़ व्यूज़ लेकिन मैंने क्या किया मैंने बोला यार आके बैठ के बात करते मैन टू मैन राइट लाइक आई नो आई एम अगेंस्ट जेंडर रोल्स बट वो एक ओल्ड कोर्ट से मैं लिव बाय करता हूँ या सामने बैठो ना हर इंसान से गलतियाँ होती हैं मैंने ये भी नहीं बोला कि तुम बुरे इंसान हो आज तुम कोर्ट में आए हुए हो मेरा यार हो जाती है मैंने सैड के कोविड के दौरान मेरी मैंटल हेल्थ के मसले थे तो इसलिए मैंने ट्रोल किया मैंने अपने दुख सुनाए ना मैंने बोला यार मेरे भी मैंटल हेल्थ के मसले थे कोविड ने हम सबको बर्बाद कर दिया था तो कोई आदमी अगर बुरा काम करता है वो बुरा इंसान नहीं बन जाता इन जब ट्रोलिंग uh, वाली भी बात हुई तो मैंने ये नहीं बोला कि अब इसको कैंसिल करो कभी नहीं बोला मैंने मैंने बोला यार मेरे से भी ये गलती हुई है मैंने अपनी बात करनी शुरू कर दी ना मैंने अपने आप को एक्सपोज़ करना शुरू कर दिया कि यार मैंने ये किया था ये गलत था इस पर ट्विटर पर क्रिटिसिजम आया था एंड आई रिग्रेट डूइंग दैट तो मैं खुद अपने आप को कैंसिल करवा रहा हूँ नहीं क्योंकि जब आप किसी को इंसान समझ के ना सामने बिठाते हैं और इंसान की तरह बात करते हैं तो वो साउथ एशियन कल्चर का हिस्सा है कि यार ये तेरा दुख है ये मेरा दुख है आ चाय पीते हैं that was the spirit in which we had that conversation and I think it's a beautiful conversation and I stand by that podcast and most people who have watched podcast entire podcast their main takeaway is this podcast podcast yes, some people feel I was uh, rather aggressive or yes, some people felt like I was very too much these things are for I reflect on them, I take them fair criticism and I will think about these things those who have watched my PTI, PDM dekhi hai, they will realize that आई एम मच हार्शर अगेंस्ट बिलानी वो पी टी वाली डिबेट्स में uh, सा आदमी हूँ मैं कभी कभी एक्साइटेड हो जाता हूँ uh, तो वो 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 चीज़ें हैं मुझे ख्याल रखने के लिए वो मैं रखूँगा तो वो पर्सनल स्कोर सेटलिंग वाली बात तो डजेंट होल्ड वाटर स्पेशली बिकॉज जब मैंने अनाउंस किया कि मुजम्मिल जैदी इज़ गोइं टू बेक्स्ट गेस्ट तो उसमें मुझे किसी ने इंस्टा डी किया कि वाई डज ही हेट यू मैंने बोला क्या हो गया भाई mm. मुझे तो नहीं पता तब उन्होंने मुझे ये कमेंट भेजा ग्रुप के अंदर वाला तो अगर मुझे पर्सनल स्कोर सेटल करना होता तो ये तो उसके बाद आया ना जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं आई डोंट थिंक स्क्रीनशॉट में डेट होगी बट दिस इज व्हाट हैपन फिर लोग कह रहे हैं जी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप पोस्ट की गई आई एग्री विथ यू वन हंड्रेड परसेंट मैं तो उसमें कोई डिसअग्री नहीं कर रहा आउट ऑफ कॉन्टैक्स बिल्कुल पोस्ट की गई यूजली इस पॉडकास्ट की जो सारी क्लिप्स होती हैं एटलीस्ट मोस्ट ऑफ दम वो मैं सिलेक्ट करता हूँ इस दफ़ा टाइम कम था मैं सारा दिन शूट पे था थाने पॉडकास्ट अपलोड करनी थी तो समीर सेलेक्टेड द क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है वन हंड्रेड परसेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरे अगेंस्ट है ना यार आई लुक लाइक द बैड परसन इन द क्लिप इफ़ यू जस्ट सी द क्लिप यू लाइक ये क्यों इतना अग्रेसिव हो रहा है ये क्यों हर्ट नज़र आ रहा है ये क्यों इतनी फ्रिवलैस बातें कर रहे हैं मिडिल क्लास कौन है एलिट कौन है क्योंकि लोगों के पास कॉन्टेक्स नहीं है कॉन्टेक्स ये है कि मेरे बारे में एक कॉमेंट किया गया था जिसमें मैं इलीट हूँ टैक्स चोर हूँ डी एच एट बबल्स में फिरता हूँ एग्जैक्टली मैं स्क्रीन शॉट पोस्ट कर देता हूँ ताकि आप ख़ुद पढ़ लें उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात कर रहा था कि यार आप मुझे एलीट कह रहे हैं आप खुद इतने एलीट हैं वो हो रहा था ना बैक एंड फोर्थ तो वो आपने देख लिया कि शजाद ये बकवास बातें कर रहे हैं मिडिल क्लास कौन एलीट कौन बट आपको वो कॉन्टेक्स नहीं मिला कि वो उस कॉमेंट के कॉन्टेक्स के अंदर ये बातें की जा रही थी तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स मेक्स मी लुक बैड मैंने खुद कर दिया अपने खिलाफ मैं खुद खुद करवा रहा हूँ ये सब कुछ तो कैप्शन भी उसका यही था वॉच द फुल पॉडकास्ट विद एवरी क्लिप दैट वी एवर पोस्ट वी वॉन्ट पीपल टू वॉच द फुल पॉडकास्ट इसलिए क्लिप्स हम लोग पोस्ट करते हैं अगर मुझे इतना आसान होता तो मैं हर पॉडकास्ट की क्लिप्स नहीं वायरल करवा देता मैं मुझे नहीं पता क्या चीज़ वायरल होती है मुझे नहीं पता था ये चीज़ वायरल हो जाएगी यू कॉन्ट कंट्रोल दी इंटरनेट चीज़ें कैसे वायरल होती हैं मुझे भी नहीं आज तक समझ में आया इससे पहले जो क्लिप वायरल जा रहा था मुजम्मिल का बर्गर्स वाला उससे तो मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं मुझे तो पता भी नहीं मैं कोई नॉस्टर डेम्स थोड़ी हूँ कि मुझे पता होता वो क्लिप वायरल जाएगा तो पॉडकास्ट में ये एलिट मिडिल क्लास चीज़ें डिस्कस कर लो वो चीज़ ऑलरेडी वायरल जा रही थी उस पर मुजम्मिल ट्वीट कर चुके हैं कि उनकी एक सोशल मीडिया कैंपेन थी टिकट फॉलोअर्स बढ़ाने की जिसकी वजह से वो बर्गर क्लिप वायरल की गई गई उसका तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था ना तो अगर मैं ये सब करवा रहा हूँ तो वो तो मेरे से पहले हो चुका था वो वायरल हो चुका था उस वायरल बर्गर क्लिप पे ट्रोलिंग शुरू हो चुकी थी हर चीज़ हो रही थी ऑलरेडी सो आई हैव नथिंग टू डू विद दैट और अगर कोई उसको काट पीट कर उसमें चीज़ें लगा कर पोस्ट कर रहा है दैट्स ऑन दैम दैट आई हैव नथिंग टू डू विद दैट आई आस्क एन यू वॉन्ट टू डू दैट इन फैक्ट सम ऑफ आर हिलेरियस एंड एज लॉन्ग एज आप मीम्स बना रहे हैं और फनी हो रहे हैं या क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं पूरी इजाज़त है आपको गालियाँ मत दिया करें uh, पिछले हफ्ते मीन इट्स अ पॉडकास्ट यार इट्स टू पीपल टॉकिंग इसमें आपको इतना क्या हर्ट हुआ कि आप कैसे आप एक दूसरे इंसान को देख सकते हैं और आप इस तरह की बातें कर सकते हैं उसके बारे में मैंने सिर्फ दो मैसेजे शेयर किए हैं उस पर किसी ने ट्विटर पर बोला कि हाउ डज वन स्टे नॉर्मल आफ्टर रीडिंग दिस यू डोंट यू डोंट डूइंग हुएंगे पॉडकास्ट इमेजिन शेयरिंग योर ओपिनियन और लोग इस तरह की बातें करें दे दें मुझे मुझे मैं नहीं माइंड करता आपने मुझे जो गाली देनी है uh, एक वनरेबिलिटी भी मैंने अपने पॉडकास्ट में शेयर कर दी थी मेरी गलती है मैंने टारगेट दे दिया लोगों को और उन्होंने टारगेट कर करके खुद खुद खूब मज़ा लिया आपने मैंने शायद जिंदगी में कुछ किया हो टू डिजर्व ऑल ऑफ दिस लेकिन फैमिली फैमिली इज अ रेड लाइन बहन मतलब की गालियाँ इतनी आसानी से किसी को भी दे रहे हैं आप और गैसलाइट करते हैं ना कैंपेन आपके खिलाफ कौन करेगा एक साथ जब आपको सौ लोगों से अनोनमस अकाउंट से हाँ इनकी गालियाँ आ रही हैं इसको मैं क्या बोलूँ को इंसीडेंट्स सौ लोग अनोनमस अकाउंट से लॉग इन हुए हुए एक ही टाइम पर एक ही तरह की बातें भेज देते हैं फ़ौर बड़ा हसीन को इंसीडेंस है कि इतना तो मैं फ़ेमस नहीं हुआ कि इतने ज़्यादा लोग मुझे एक टाइम पर ट्रोल करें तो कोसीडेंस ही होगा लेकिन अगर आप ट्विटर पे जाएं तो आप देख सकते हैं कितने अकाउंट्स ने कितना टारगेट किया है कितना बोला है कि जाकर इसको टारगेट करो इसको ये बोलो हज़ार अखिला हैं हज़ार लोगों को क्रिटिसाइज़ किया गया है इस पॉडकास्ट से कभी मैंने ये नहीं बोला कि यार आप लोग सब अब मेरी ऑडियंस हैं अब जाकर इसको अटैक करो इसको अटैक करो वो वो कल्चर ही नहीं हम क्रिएट करते इनफैक्ट जो ऐसा करता है उसको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं अभी भी मैंने तो ये क्लिप्स पोस्ट की ना कि यार ट्रोलिंग गलत है मुजम्मिल की रोते हुए मैंने क्लिप पोस्ट की कि यार आप जो ट्रोलिंग करते हैं ये कॉन्टेंट क्रिएटर्स के ऊपर अफेक्ट होता है प्लीज स्टॉप ट्रोलिंग मैंने तो इस तरह की बातें की दूसरी तरफ जिस तरह की लोग कमेंट सेक्शन में बातें कर रहे हैं रेड्स प्लान हो रही हैं ग्रुप्स में uh, चार साल बड़ी मेहनत करके पॉडकास्ट बनाए हैं द पाकिस्तान एक्सपीरियंस हम तो नहीं खामोश होंगे हम तो फ़ोन कॉल से नहीं डरे तो कुछ कमेंट्स से हम क्या डर जाएंगे लेकिन uh, आप ये जो रेड्स कर रहे हैं या मास रिपोर्टिंग कर रहे हैं शायद कोई ऑडियंस जो सीख सकती है या कुछ सोचना चाहती है या अपने आप को डिफरेंट फील करती है और उनको लगता है कि द पाकिस्तान एक्सपीरियंस इज एन आइलैंड ऑफ सैनिटी इन दिस एन वर्ल्ड उनको डिप्राइव कर रहे हैं आप मेरा कुछ नहीं जाएगा सो या प्लीज ट्राई डू बेटर एंड आई ट्राई ब्लॉक एंड आई ट्राई इग्नोर बट जस्ट गेट्स टू मच आफ्टर ओायल और मैं टॉपिक चेंज कर देता हूँ क्योंकि अगर मैंने अभी कोई वनडरबिलिटी भी शो की तो वो भी वेपनाइज ही होगी तो उसका कोई फ़ायदा ऐस सच नहीं है यहाँ ये कटने का सो so, या yeah, uh, हमने कोई किसी को ट्रोल नहीं करवाया हमने कोई uh, चीज़ वायरल नहीं करवाई हमने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो चीज़ थी वो मेरे अगेंस्ट थी जो सारी पॉडकास्ट आप सुने तो आपको उस चीज़ का एक कॉन्टेक्स मिल जाएगा और इनफैक्ट रेजोल्यूशन भी मिल जाएगा यार आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल पॉडकास्ट व टू पीपल डिसअग्री एंड देन हैव एम्पथी एंड हैव फ्रेंडशिप ऑफ सम काइंड एटलीस्ट बाकी जो बात कर रहे हैं कि जी पर्सनल चीज़ ऑन द रिकॉर्ड क्यों थी uh, आज तक पाकिस्तान एक्सपीरियंस में जिस गेस्ट ने बोला है कि किसी चीज़ को ऑफ द रिकॉर्ड करो वो चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड हुई है वो चीज़ पॉडकास्ट का हिस्सा नहीं हुई है रिकॉर्डिंग के बाद भी कई गेस्ट ने बोला ये चीज़ हटा दो वो चीज़ हमेशा से हटा दी गई है यू डोंट गेट वेयर आई एम टूडे विदाउट अर्निंग दैट क्रेडिबिलिटी वन गेस्ट एट अ टाइम मुजम्मिल ने खुद दो दफ़ा रिकॉर्डिंग एक दफ़ा रिकॉर्डिंग रुकवाई थी एक दफ़ाई I mean, so uh, वो चीज़ें सारी ऑफ द है उसमें कई चीज़ें डिस्कस हुई थी मुजमिल कैमराज वो अगर ऑन भी होते वो चीज़ कभी हम लीक नहीं करते बिकॉज वी आर नॉट द सॉर्ट वो चीज़ें सारी हमने ऑफ द रेकड रखी हैं अगर मुझे मुज़म्मिल को कैंसिल ही करवाना होता तो मेरे पास और भी पर्सनल बातें थी हम जब वो गए हैं तो हमने लिटरली पॉडकास्ट के गेट पर एक चीज़ डिस्कस की है इट्स नॉट ऑन द रिकड इट्स नॉट इन द पॉडकास्ट बिकॉज एक और इंसान भी इन्वॉल्व है ना मैं मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यार अभी कौन जीत जाता है मेरे बंदे उसको कितनी गालियाँ देते हैं उसके बंदे मुझे कितनी गालियाँ देते हैं इस चीज़ से मुझे क्या मिल जाएगा लाइक शेयर सब्सक्राइबर्स से मुझे क्या मिल जाएगा अगर यही मुझे करना होता तो बहुत पहले मैं अलग चीज़ कर रहा होता ना पाकिस्तान एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होता मैं अगर मैं इसी रेस में लगना होता मुझे और भी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास हमने वो चाय के ऊपर डिस्कस की बहुत खुल के डिस्कस की उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई वो सारी चीज़ें मैं अभी आपके सामने रख दूँ तो ख़त्म हो जाए ना ये सोशल मीडिया की सारी डिबेट ख़त्म हो जाए हम सब बैठे हुए सुन रहे थे वहाँ पर कमेडियंस uh, भी आए हुए थे बहुत खुलकर बहुत सारी बातें हुई एहतराम कर रहा हूँ ना मैं उस चीज़ का उस चीज़ का मैं एहतराम कर रहा हूँ मैं लिहाज कर रहा हूँ इवन दो आई न्यू इट बिफोर बट आई एम गोना रिस्पेक्ट दैट वी डिस्कस दैट ऑफ द रिकॉर्ड एंड कीप इट ऑफ द रिकॉर्ड ठीक है मैं अपनी पॉडकास्ट बंद कर सकता हूँ अगर मैं गालियाँ गेट्स गेट टू मी एंड इट गेट्स टू मच टू लिव लेकिन मैं अपना आप नहीं मार सकता आप लोग जो ट्रोल्स मुझे अपने लेवल पे खींच के लाना चाह चाह रहे हैं मैं उस लेवल पे नहीं जा सकता बिकॉज ये पॉडकास्ट शायद आज बंद हो जाए शायद कल बंद हो जाए लेकिन मैंने रेस्ट ऑफ माई लाइफ अपने साथ अपने अपने, अपने आप के साथ रहना है अपने आप को आईने में देखना है जब मैं अपना सर रखूँ रात को तकिए पे मुझे ये फील करना है कि अच्छा तुमने गलत नहीं किया एंड थ्री पॉइंट फाइव ईयर्स आज पाकिस्तान एक्सपीरियंस ऑफ ट्राइंग टू डू एवरी थिंग राइट ट्राइंग टू लिव बाई मॉरल कोड हैविंग अ सोशल कॉन्शियसनेस बिल्डिंग अ कम्यूनिटी डूइंग थिंग्स राइट नॉट डूइंग सेंसेशनलिज्म नॉट गोइंग आफ्टर वायरलिटी उसके बाद भी अगर ये सारी बातें की जा रही हैं तो यस एट टाइम यू रीड फाइव हंड्रेड थिंगस अबाउट यू मेक्स यू क्वेश्चन हु यू आर बट जब वो एक फ़ाउंडेशन होती है ना कि यार मुझे पता है मैं कौन हूँ और uh, कहाँ से आया हूँ और क्या कर रहा हूँ तो आप यू स्टिल मैनेज टू लिव डिस्पाइट पीपल ट्राइंग देयर बेस्ट टू स्टॉप यू तो इनशाला सिलसिला चलता रहेगा uh, जो चीज़ें ऑफ़ द रिकॉर्ड थी वो ऑफ द रिकॉर्ड थी वो हम ऑन द रिकॉर्ड नहीं लेकर आए आ, बाकी अगर किसी चीज़ कोई बुरी लगी अच्छी लगी वो आप लोगों की राय है आई गेट के एक बहुत बड़ी टी बी टी कम्यूनिटी है जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखी जो द पाकिस्तान एक्सपीरियंस नहीं देखते या वो वाकिफ नहीं है पाकिस्तान एक्सपीरियंस से आ, अगर आप लोग देखें जाकर तो माई पी टी आई पी डी एम डिबेट्स में आई मच हार्शर ऑन लखानी अगर मैं कोई बातें रिपीट कर रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी ये प्लान नहीं है जो दिल से बातें आ रही हैं वो वही कर रहा हूँ इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान एक्सपीरियंस इज़ रॉ इट्स ऑथेंटिक इट्स नॉट क्यूरेटेड इट्स नॉट इट्स नॉट डन विद अ सर्टन एजेंडा या किसी ने हमें बोला नहीं होता कि यार ये करो उससे ये होगा नंबर ये कह रहे हैं तो इस तरफ जाओ या कोई हमें फ़ंड नहीं कर रहा सीक्रेटली जो हमारा पेट्रीआन है उससे हमारे पेट पलते हैं घर चलता है स्टूडियो बनता है सो सो इट्स 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 एज यू सी इट आज तक मैंने किसी गेस्ट को नहीं बोला कि यार ये चीज़ बोलो या ये चीज़ ना बोलो या ये चीज़ आप नहीं बोल सकते uh, अगर मुर्तदी वहाब आते हैं इस पॉडकास्ट पे तो फिर वो uh, मुस्तफ़ा कमाल भी आते हैं तो वो हर परस्पेक्टिव हम कोशिश करते हैं लाने के लिए और कभी किसी गेस्ट को हमने नहीं रोका बोलने के लिए अगर बीच में वो आपको लगता है कॉन्वर्जेसनल स्टाइल है कि एक दूसरे को इंटरप्ट कर रहे हैं तीन घंटे की पॉडकास्ट है उसमें ओवर टू आवर्स हैज़ स्पोकन तो तीन घंटे के एंड तक ऐसी कोई बात नहीं होती जो उसने ना कही हो यस मे बी इन द मोमेंट आई एम कटिंग एम ऑफ एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट एंड आई विल बी बेटर एंड होल्ड माई सेल्फ अ बिट मोर इन दीज केसेस मैंने भी देखी है एक दो तो जगह लाइक रुक जा तो <laughs> लेकिन पूरी पूरी अगर आप पॉडकास्ट देखें तो वो हर चीज़ जो होती है शायद अगर इन द मोमेंट ना कही हो गई हो तो बाद में कही कह कह दी गई हो और पर्सनल बातें हर तरह की पर्सनल बातें इस पॉडकास्ट के ऊपर हो चुकी हैं सारे ज़ख्म सारे दुख मैं अपने शेयर कर चुका हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में ज़िंदगी के बारे में क्या कुछ नहीं हमने शेयर किया पर्सनल इस पॉडकास्ट के ऊपर तो वो फॉर्मेट अगर आपको थोड़ा अजीब लगता है यहाँ तो रियलिटी भी हमें क्यूरेट करके दिखाई जाती है तो वो सच्चाई अगर जारिंग लगती है कि यार ये इतने खुल के और सच और ऑनेस्ट ड्रॉ पर्सनल कैसे बातें कर रहे हैं दैट्स नॉट फॉर यू दैट्स नॉट फॉर यू गुड और बैड वाली बात नहीं है टीबीटी का एक फॉर्मेट है जिसमें जब सूट पहन के सवाल पूछते हैं गेस्ट टॉक अन इंटरप्टड एंड दैट्स द पॉडकास्ट मैं ज़रा कॉन्वर्जेसन प्रेफर करता हूँ कि यार जरा बैक एंड फोर्थ हो मैं भी बोलूँ वो होस्ट गेस्ट वाला फॉर्मेट हमारा है ही नहीं सो इफ इफ दैट्स नॉट योर कप ऑफ टी इफ दैट्स नॉट योर स्टाइल यूड प्रीफर एन इंटरव्यू कितनी सारी पॉडकास्ट हैं माशा आप लोग वो सारी देख सकते हैं वी वालवे स्टक बाय द कॉन्वर्जेशन स्टाइल वट आर ऑडियंस लाइक्स इज वेल विच इज वाई दिसन टू टी पी कि उनको लगता है कि उनका दोस्त उनसे कोई बात कर रहे या ड्रॉइंग रूम में हम बैठे हुए या चाय पे बैठे हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं ये फॉर्मैट तो चेंज नहीं होगा आपको अगर कोई और फॉर्मैट पसंद है बहुत सारी और पॉडकास्ट हैं अब माशा प्लीज़ उनको जाकर आप लोग सुनिएगा बस यही कुछ बातें थी थोड़ा दुख आप लोगों के साथ शेयर करना था और आई हैड टू पुट अ बटन ऑन ऑल ऑफ दिस ताकि ख़त्म हो जाए ना ये ये चीज़ें अब 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 पास्ट में चली जाएँ आई डू थिंक नाउ दैट पाकिस्तान एक्सपीरियंस माशा से इज़ ग्रोइंग नए लोग आ रहे हैं नए परस्पेक्टिव आ रहे हैं और वो एक नई नज़र से पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो हमने जो एक खूबसूरत कम्युनिटी बनाई है अब वो बड़ी हो रही है तो ऑब्वियसली हर तरह की राय उसके अंदर आ रही है आई डू मिस आर स्मॉल लिटिल कम्युनिटी जब हम छः छः घंटे की पॉडकास्ट करते थे और इस तरह लगता था कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो भी पॉडकास्ट का हिस्सा हैं वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं अगर कोई लाइव स्ट्रीम में आ रहा है तो अब लोग पहचानना शुरू हो जाते है, रहे हैं कि अरे हाँ ये तो इंडिया में सैक्स बजाता था या कमेंट्स में अगर अदील हैं या रज़ा हैं या ना मैं लाइक ओ वी नो दिस पर्सन तो वो कहीं ना कहीं मैं मिस कर रहा हूँ तो मे बी वील मेक अ फेसबुक ग्रुप कि वो जो एक कम्यूनिटी है हमारी वो हम खुल के बातें कर सकें और दुख शेयर कर सकें खुशियाँ शेयर कर सकें इस पॉडकास्ट में हमेशा से हमने यही कोशिश की है और यही करते रहेंगे आ, थोड़ी मुश्किल हो रही है इसलिए आई एम टर्निंग टू ऑल ऑफ यू कि मुझसे तो नहीं हो रहा यार अब अकेले आई जस्ट नो कॉन्ट कॉन्ट रीड सो मच नेगेटिविटी एंड नॉट इंटरनलाइज सम Uh, काफ़ी दफ़ा मैंने इस पॉडकास्ट पे बोला है कि मैंने अपनी सोशल लाइफ ख़त्म कर दी है ये ये एक वजह उसकी ये है ना कि मुझे नहीं पता कि ये लोग इनमें से कौन लोग हैं जो मेरे बारे में ट्विटर पे कुछ कहते हैं और एंड इट जस्ट आई आई डोंट वॉन्ट टू बी आई डोंट वॉन्ट टू बी दैट पर्सन आई डोंट वॉन्ट टू I don't want to be negative just because people want me to be that person. तो कम्युनिटी बनाते हैं ताकि एक दूसरे का सहारा लें Uh, एक दूसरे के साथ चलें और जब ये पॉडकास्ट ग्रो हो रही है तो साथ ग्रो हो एक्सपेंडिंग टीम एज वेल एंड टू ऑल हो न्यू गिव अस अ चांस बहुत मेहनत बहुत प्यार से ये एक पॉडकास्ट बनाई है हमने uh, कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत कोई बात अच्छी लगी हो तो चांस ज़रूर दें दो तो तीन पॉडकास्ट सुने इट्स नॉट योर का प्रफ्टी इट्स नॉट योर का प्रोफ्टी टूर दें नए आइडियाज सुनने से दिमाग बड़ा होता है माई फेवरेट कॉमेंट्स आर पीपल हू से डिग्री थिंगट यू बट वी लव द पॉडकास्ट ये साइन ऑफ क्रिटिकल थिंकर दैट द साइन ऑफ अ पर्सन जो सोच रहा है और मैं इस पॉडकास्ट के वसीले से कभी पीच नहीं करता कि ये करो सोचें Uh, as long as you're thinking uh, my job is done i wear my opinions on the sleeve i wear my emotions on the sleeve what you see is what you get uh, there's no pretense there is no banawart uh, it's raw it's authentic it's the pakistani experience and thank you so much for listening